री फाउंड ऑफ यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ जोमेट्री विद फंडामेंटल्स इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन हर सब्जेक्ट हर आस्पेक्ट ऑफ मैथामेटिक्स में एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हर जगह पर पाया जाता है कॉर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स का क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं विदाउट सॉल्विंग एट ऑल डायरेक्ट आंसर लिखने वाले फॉर्मेट में पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो वेरिएबल लाइन परपेंडिकुलर टू फिक्स लाइन x अपॉन ए प्लस टू वन तो सबसे पहले हम एक फिक्स लाइन के लिए हमने एक फिक्स लाइन ले ली x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन थोड़ा सा इस तरह से और देन वी टूक अबल लाइन परपेंडिकुलर जो इस पे परपेंडिकुलर है कहने का मतलब वो इस तरह से कुछ जा रही है और अगर सच पूछे तो वो परपेंडिकुलर होने के साथ इस तरह से यू स्लाइड कर रही है दैट्स ओके दैट्स प्रेटी मच ओके बात ठीक लगती है समझ भी आती है एंड देन वॉट वी डू इज कि हम ये मार्क कर देते हैं ये एंगल 90 डिग्री है लाइन की क्वेश्चन अभी लिखने की जरूरत नहीं द वेरिएबल लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट पी ये वाला पॉइंट पी हो गया एंड क्यू रेस्पेक्टिवली सो जैसा बताया पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली हमने लिख लिया इफ ए इज ए कॉमा जीरो लाइन की इक्वेशन सजेस्ट करती है कि यह वाला पॉइंट दरअसल ए कॉमा जीरो ए था एंड बी जीरो कामा बी सो फिक्स लाइन का यह वाला पॉइंट जीरो कामा बी दरअसल बी था दे वॉन्ट यू टू फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए क्यू एंड बी पी जितनी देर में मैं डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूं उतनी देर में तुम इस पर्टिकुलर रिजल्ट को इस लाइन को पतला कर देते हैं सोच के देखो और अगर बात समझ में आए द बेस्ट अप्रोच जो तुम सोच सकते हो उसको कमेंट बॉक्स पर लिखो फिर वेट करो उस अप्रोच का जिसमें हम बगैर कुछ किए सॉल्यूशन लिखेंगे ये इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लोकस की बात कर रहे हैं ए क्यू एंड बी पी ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लोकस की बात कर रहे हैं अगर हम यूजुअल तरीके से जाएं तो हमारी थ्योरी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम सब सीखते हैं हम खुद भी सिखाते हैं सारे लोग यही करते हैं कि इस वेरिएबल परपेंडिकुलर लाइन का नाम उस लाइन के हिसाब से लिख दो सो दैट शुड बी एक्स अपॉन बी माइनस वाई अपॉन ए इज सम कांस्टेंट लैम्डा जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा पैरल लाइन यहाँ पर स्लाइड करती रहेगी पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स लामडा के टर्म्स में आ जाएंगे फिर AQ और BP की इक्वेशन लामडा के टर्म्स में निकाल लो फिर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लामडा के टर्म्स में निकाल लो और फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से लामडा एलिमिनेट कर दो जो आएगा वो इस नए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस होगा वीडियो को पॉज करो बड़े ध्यान से देखो एक छोटा सा इनपुट ऐसा है जो हमेशा इस डायग्राम में था लेकिन मैंने अभी मार्क नहीं किया है उसके मार्क करते ही क्वेश्चन ओरल हो जाता है वन लाइनर हो जाता है इनफैक्ट डायरेक्ट आंसर लिखने के फॉर्म में होता है अगर दिख जाए तो कमेंट बॉक्स पर डालो कोई भी वीडियो जो देखा करो उसको एक गो में मूवी की तरह मत देखो उसे पॉज प्ले करके दिमाग पर प्रेशर एग्जर्ट करते हुए देखो ज्यादा सीखोगे हियर आई कम बैक विद द विद्यूशन जिस को हम कह रहे हैं कि हम मार्क करेंगे और प्रॉब्लम ओरल हो जाएगा वो ये है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, उनके बीच में एंगल हैड ऑलवेज बीन 90 90 डिग्री। इफ दिस पॉइंट इज़ ओ, और इसके 90 होते ही ये रिलेट होता है कि इफ आई लुक एट दिस ट्राइंगल पी ए बी ध्यान से देखना ट्राइंगल पी ए बी सो एक लाइन पी क्यू ऑल्टीट्यूड है और दूसरी लाइन बी ओ ऑल्टीट्यूड है ट्रायंगल की थ्योरी के हिसाब से दो ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सफिशियंट है तो बट नेचुरल वो भी 90 पे ही इंटरसेक्ट करेगी यानी बगैर किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एफर्ट के हमें ये समझ में आया कि जिस पॉइंट का हम लोकस लिखने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए क्यू एंड बी पी AQ and BP, उस पॉइंट पे ये दोनों एंगल 90 बनाएंगे अगर इस पॉइंट का नाम एच कॉमा के है तो बहुत एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट से स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन करो और डायरेक्ट आंसर लिखो कोई पॉइंट कोई एलिमिनेशन की जरूरत नहीं है BP का स्लोप हो जाएगा के माइनस बी अपॉन एच माइनस जीरो दैट इज एच और ए क्यू का स्लोप हो जाएगा माइनस जीरो अपॉन एच माइनस ए प्रोडक्ट इज माइनस वन एंड दैट इज योर लोकस क्रॉस मल्टीप्लाई करो एच के का नाम एक्स वाई में चेंज करो एंड यू गेट द रिजल्ट अगर हम ज्यादा समझदारी से कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरफेक्शन लिख चुके होते तो अब तक हम उन तमाम वर्किंग में जा चुके होते जो शायद यहाँ पे समझदारी नहीं है इंपॉर्टेंट यह है कि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करें तो अपने आप को तीस सेकेंड चालीस सेकेंड दें क्वेश्चन में ज्योमेट्री का वो इनपुट देखने के लिए एग्जाम में इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा मेन जैसे पेपर में इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा लेकिन इतना टाइम काफी है अगर तुम वो चीज देखना चाहते हो जो तुम सालों से देख रहे हो ऑल ऑफ अ सडन एग्जाम वाले दिन ऐसा नहीं होगा लेकिन अगर तुम्हारी हैबिट में है और तुम खुद को 30-40 सेकंड देते हो तो चलते एग्जाम में क्वेश्चन में तुम्हें इस तरह की चीजें देखेंगी ये तुम्हारा काफी टाइम सेव करेंगी बात समझ आ गई अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो फिर लाएंगे इस किस्म के और रिजल्ट तुम्हारे लिए थैंक यू